जय माता दी। तो आज के लंच में बनाते हैं न्यूट्री और मसूर की दाल। तो ये तेल डाल दिया मैंने, थोड़ा सा तेल डालते, तेल है ऑलिव ऑयल का, इसको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें सूखी मिर्ची डालूँगी और डाल दूँगी इसमें जीरा और राई, थोड़ा लौंग, इलायची। तो इसको हम अच्छे से थोड़ा भून लेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आता है जब सूखी मिर्ची और जीरा, राई, दो तीन लौंग और काली मिर्ची डाली थी, और इसमें एक छोटा प्याज डाल दिया छोटा छोटा काट के, और प्याज को भी अच्छे से भूनने देंगे। तो सिंपल से तरीके से बनाते हैं हम आज का लंच, और आपको भी दिखाते कि मैं लंच में क्या बनाती हूँ। तो ये प्याज हो गया, अभी इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और सिंपल से मसाले जो हम रोज डालते हैं। तो दाल में हींग जरूर डालना चाहिए, क्योंकि हींग पेट के लिए अच्छा होता है। और नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसमें टमाटर डाल देती हूँ मैं, टमाटर छिलका निकाल के डालती हूँ। छिलका निकाल के टमाटर को डालेंगे तो अच्छे से गल जाते, पता भी नहीं चलता टमाटर डाले। कई लोगों को टमाटर पसंद नहीं होते, कई को पसंद होते, तो इसलिए छिलका निकाल के तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें क्योंकि मैं तेल बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पका देंगे। टमाटर अच्छे से गल जाएगी। तो तभी अच्छी लगती है जब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। अगर टमाटर कच्चे रहे तो फिर दाल में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये न्यूट्री और मसूर की दाल मैंने धो के और भिगोने को डाली थी आधे घंटे पहले। तो मसूर की दाल को अच्छे से भी धो लेना चाहिए, इसमें पॉलिश होता है जो लंबी चले, एकदम पीली कर देते हैं। जब इसको धो लेगी तो इस तरह से हो जाएगी अच्छे से धो के। तो न्यूट्री के साथ बनाते, थोड़ी दाल ज़्यादा हमारे सब्जी बनी हुई है, सब्जी बना दी है मैंने, तो दाल बना रही हूँ। तो न्यूट्री भी दाल के साथ ही भिगोने को डाली थी, न्यूट्री, और जिसको सोयाबीन की बड़ी भी बोलते, सोयाबीन भी बोलते। तो ये मसूर की दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है, मसूर की दाल के साथ नहीं, किसी भी दाल के में डाल दो अच्छी लगती है और हेल्दी होती है, सभी खा लेते हैं। तो मेरी दाल हो गई है तैयार, और अभी हम बनाते हैं पक्की दाल। अच्छे से गैस बंद कर लेंगे और इधर थोड़ी रोटी बना देंगे, चावल भी बन गया। तो रोटी ज़्यादा मैं हाथ से बनाती हूँ, आधी बेलन से बनाती हूँ, आधी हाथ से ही बनाती हूँ, इसलिए मेरे को बेलन से कम ही बेलती हूँ। तो
तो रोटी भी होएगी मेरी तैयार। हाँ तो इस तरह का मेरा आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जैसे कि मेरे खाने का चैनल है तो मेरे को कुछ ना कुछ वीडियो डालने होते हैं, पर इधर और क्या बनाए, मैं जो बनाती हूँ वही डाल भी दूँगी।